है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हेलो गाइस, नमस्कार, चैनल के स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वीडियोस में कि आप बॉलीवुड से इतना नफरत क्यों करते हो, आप अच्छे अच्छे वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो, बॉलीवुड के बारे में तारीफ क्यों नहीं करते हो। ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ वीडियोस, जो फिल्में डिजर्व करती है उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, रिव्यू करता हूँ उनका, उनके बारे में तारीफ करता हूँ, लेकिन बहुत ही कम, इसलिए लोग जो है ये सवाल उठाते हैं। जब मैंने ये न्यूज़ सुना, मतलब अभी से कुछ सालों पहले, कि आमिर खान सर जो है वो अवार्ड शोज में नहीं जाते, मैं सोचता था पहले क्यों नहीं जाते, इतना अच्छा होता है अवार्ड शोज, अवार्ड मिलते हैं लोगों को, उनके काम की तारीफ होती है। लेकिन ना कुछ टाइम से मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, जब से मैं वीडियोस करने लगा हूँ, तब जो पॉलिटिक्स है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, उसके बारे में। देखो, हर इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होता है, लेकिन बॉलीवुड में ना कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी मैं बात करता हूँ, हाल ही में गुवाहाटी में 65th फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, बहुत सारी फिल्मों को अवार्ड्स मिला, बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, एक्टर्स का, सब कैटेगरीज के अवार्ड मिले, सब तो ठीक लगा। मुझे ना दो चीज़ों पे बहुत ही गुस्सा आया, और उसके बाद मुझे भरोसा हो गया कि ये सारे पेड होते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार सर का भी अगर आप इंटरव्यू देखो तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जब भी आता है किसी अवार्ड शो का इन्विटेशन आता है तो मैं कहता हूँ आप अवार्ड रख लो, मुझे पैसे दे दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत ये इसमें अगर डीप में जाएंगे ना तो बहुत ही लंबी बातें हैं ये सब। तो अभी बात करते हैं कि हुआ क्या है। तो गुवाहाटी में जो 65th फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, वहाँ पे दो कैटेगरी का जो अवार्ड मिला ना वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। पहला अवार्ड जो है वो था बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का, वो किसको मिला पता है? अनन्या पांडे को। सीरियसली, अनन्या पांडे डिजर्व करती है बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का। वो जब अवार्ड मिला ना तो मुझे, मतलब मेरा रिएक्शन ऐसा था, यार क्या है ये, क्यों? उसके बदले अगर उन दोनों में से किसी और को मिलता ना, एक तो प्रणुतन बहल या फिर साई मांजरेकर, इन दोनों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की जो इनकी डेब्यू फिल्म थी, तो उन दोनों को अगर मिलता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, ना कि अनन्या पांडे को मिलना था। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने उसको अवार्ड दिया। और दूसरा है, अक्षय कुमार सर की फिल्म आई थी केसरी, उस फिल्म का एक गाना है तेरी मिट्टी, ये गाना आप जब भी सुनो ना अजीब फीलिंग आती है आपको, एक आप इमोशनल हो जाओगे, एक जो देशभक्ति का है वो आपके अंदर जगेगा, बहुत ही कमाल के लिरिक्स हैं इसके, आप सुनो जाके गाना, आप इमोशनल हो जाओगे। इस गाने को अवार्ड नहीं मिला, सीरियसली मैं सोचा था जब ये गाना आया था ना तो मैं सोचा था यार बेस्ट लिरिक्स का तो इसको अवार्ड मिलेगा, लेकिन बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड किसको मिला, कौन से गाने को? गली बॉय का जो गाना है तो नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, ऐसे लिरिक्स को मिला है बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड। और जब ये अवार्ड मिल गया उसके बाद नो डाउट सभी को डाउट था ही इस पे कि क्या हुआ ये, क्यों मिला इसको। लेकिन जो लिरिक्स राइटर हैं तेरी मिट्टी के, मनोज मुंतासिर सर, तो उन्होंने पोस्ट किया अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने लिखा कि मैं जिंदगी भर भी ट्राई कर लूँ ना, लेकिन इस लिरिक्स से, इस गाने के लिरिक्स से बेहतर मैं नहीं लिख सकता तेरी मिट्टी सॉन्ग से। और उन्होंने बहुत ही लंबा पोस्ट लिखा, और उन्होंने ये लास्ट में बोला कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद से कभी भी किसी भी अवार्ड फंक्शन में मैं अटेंड नहीं करूँगा अवार्ड फंक्शन को, और ये कसम खाने वाले वो दूसरे हो गए आमिर खान सर के बाद। तो उनका जो दुख है वो बिल्कुल समझा जा सकता है, और जब आप कमेंट बॉक्स में जाओ तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए, और अच्छी बातें लिख रहे हैं कि अवार्ड से कोई मतलब नहीं, आपने गाना बेहतरीन लिखा और आप ऐसे ही काम करते रहो। तो ये सारी चीज़ें देख के अच्छा लगता है जब लोग इस तरीके से सपोर्ट करते हैं किसी भी ऐसे आर्टिस्ट को जो काम करता है दिल से। अवार्ड क्या है? अवार्ड मिल गया तो उससे किसी को, अगर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया तो क्या, बेस्ट डेब्यू एक्टर का भी अवार्ड मिल जाता, पहली फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भी हो जाती है, लेकिन टिकता वही है। हर बात पता है, चाहे बॉलीवुड की बात करूं, साउथ की बात करूं, नेपोटिज्म का जो है ना वो हर बार उठाया जाता है सवाल, लेकिन मैं नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं हूं, या ऐसा नहीं है कि मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूं। देखो, कोई भी अगर एक्टर एक्ट्रेस, किसी का भी बच्चा अगर लॉन्च होता है ना, तो टिकता वही है, ये रेस है,
टिकता वही है जिसमें टैलेंट होता है। अपने टैलेंट के बल पे जो निकल गया ना वही रेस में रहता है, वरना डेब्यू तो बहुत सारे करते हैं हर साल, सैकड़ों लोग डेब्यू करते हैं लेकिन सब टिक नहीं पाते। तो मामला यह है कि अगर आप टैलेंटेड हो, आपको मौका मिल रहा है, तो आप किस तरीके से उसका यूज़ करते हो इस पे डिपेंड करता है। अगर आप में टैलेंट है तो आप टिकोगे, ऑडियंस आपको प्यार देगी, नहीं तो ऑडियंस जो है ना वो एक सेकेंड भी नहीं लगाती है किसी को आसमान से नीचे ज़मीन पे लाने के लिए। तो यही दो था जो अवार्ड मिला, उस पर मुझे बात करना था आप लोगों से। और आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में कि क्या वो अवार्ड डिजर्व करते थे या नहीं, आप नीचे कमेंट करके बताओ। ओके, तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हो। माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।